To get free video lectures for ECE Gate 2018, subscribe Engineering and press bell icon for more information and update. Hello everyone, welcome to Engineering. मैं हूं सत्य विजय तिवारी. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप गेट के एग्जाम में 25 टू 35 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग हमसे पूछते हैं कि सर, अगर हमें गेट में जस्ट क्वालिफाई करना है तो क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर हमें कवर करने चाहिए. तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका टारगेट 25 टू 35 मार्क्स लाना है तो आपको पूरे सब्जेक्ट या पूरे सब्जेक्ट के अंदर के पूरे टॉपिक्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है. आप कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट के सिलेक्टेड टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं और इजीली 25 टू 35 मार्क्स वहां से स्कोर कर सकते हैं. तो इसके लिए मैंने गेट के प्रीवियस पेपर्स की एनालिसिस की है और देखा है कि एक एक सब्जेक्ट में किस टॉपिक से आपके अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनको पढ़ के आप आसानी से 25 टू 35 मार्क्स गेन कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क एनालिसिस से. तो नेटवर्क एनालिसिस का अगर हम वेटेज देखें तो ये लगभग 10 से 11 नंबर का पूछा जाता है आपका गेट के एग्ज़ाम में. और नेटवर्क एनालिसिस काफ़ी ईजी है अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट पता है तो. और जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस की हमने प्रीवियस पेपर से एनालिसिस की है उसके बेस पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं. तो इन टॉपिक्स को आप कवर करके अगर जाएंगे तो आप इजीली नेटवर्क में 10 से 11 नंबर के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 5 टू 6 मार्क्स आप इजीली इसमें गेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क एनालिसिस में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स में आपके सबसे पहले आते हैं चार्ज क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट सोर्स क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज और इनकी प्रॉपर्टीज. तो ये एक टाइप से थ्योरी होती है, इसको आपको देखना है. एक नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से. दूसरा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है KCL, KVL, मैथ एनालिसिस और नोड एनालिसिस. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. केवल इसी टॉपिक से आपसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आपको KCL, KVL, मैथ और नोट पे आपकी अच्छी कमांड है और इसके क्वेश्चंस की आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप इसको इजीली स्कोर यहां से कर सकते हैं. इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो आता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में आपका आता है करंट सोर्स से आप कैसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में. इसके बाद आपका आता है स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन. इसमें आपके पास काफ़ी सारे रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क गिवन रहता है जो कि ना तो सीरीज में कनेक्ट होते हैं और ना ही पैरेलल में. तो उसको हम सॉल्व करते हैं स्टार टू डेल्टा मेथड से. इसके बाद रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल सर्किट्स होते हैं जिसमें हमें आर इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट या सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होता है. तो इसके बेसिक्स फॉर्मूले हैं, अगर वो आपको पता है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल पे बेस्ड. तो करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इजी है और यहाँ से आप क्वेश्चन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आता है थ्योरम्स से. तो थ्योरम्स में जो आपकी इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरी है आपकी थेवेनिन थ्योरम और मैक्सिमम पावर थ्योरम. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनके रूल्स आप देख के यहाँ से क्वेश्चंस इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके बाद जो आपका टॉपिक्स है वो है टू पोर्ट नेटवर्क से. तो टू पोर्ट नेटवर्क के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जेड, वाई और एच पैरामीटर, जी पैरामीटर और ए बी सी डी पैरामीटर. इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं. तो ये आप नेटवर्क एनालिसिस में इजीली पढ़ के जा सकते हैं और आसानी से 5 to 6 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं. इसके अलावा जो टॉपिक्स बचते हैं वो है एसी सर्किट, ट्रांजिएंट, रेजोनेंस, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट. ये टॉपिक्स आप इसमें छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको केवल 25 टू 35 मार्क्स ही लाने हैं. तो ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है. ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं केवल ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है. तो आप इजीली यहाँ से मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं. इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो देखते हैं, कंट्रोल सिस्टम.
कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो गेट के एग्जाम में ये 9 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कंट्रोल सिस्टम में भी कवर करने के लिए काफ़ी कुछ सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो आप 9 to 10 मार्क्स में से इजीली 4 to 5 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंट्रोल सिस्टम में टॉपिक्स है वो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स। सबसे पहले आपको कंट्रोल सिस्टम में स्टार्ट करना है ब्लॉक डायग्राम से। जो ब्लॉक डायग्राम है उनके रिडक्शन के रूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसको रिड्यूस करते हैं, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर करना है और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंट्रोल सिस्टम में वो है सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस लगभग एक जैसे ही हैं, किसी भी मेथड से आप उसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से आपको ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हमें ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्या ओपन लूप सिस्टम्स होते हैं और क्या क्लोज लूप सिस्टम होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके बाद हमें जो पता होना चाहिए वो है स्टेबल और अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम की क्या कंडीशन होती है। जो आपके पोल्स होते हैं वो लेफ्ट साइड अगर लाई करते हैं तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा, राइट साइड अगर लाई करते हैं तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा, अगर इमेजिनरी लाइन पे है तो सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल होगा। तो इसकी जो सारी कंडीशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इसमें आपका टाइप ऑफ सिस्टम भी पूछा जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जो इक्वेशंस होती है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इससे किस तरीके से आप इसके रूट फाइंड करते हैं और कब आपका सिस्टम स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कब मार्जिनली स्टेबल होगा, ओमेगा एन क्या होता है, ओमेगा डी क्या होता है और क्या कुछ इनके फॉर्मूलेज होते हैं, ये सारे आप कंट्रोल सिस्टम में देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 2 मार्क्स का आपका इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे से यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसमें सिंपल फॉर्मूले होते हैं, राइज टाइम क्या होता है, डिले टाइम क्या होता है, पीक टाइम, मैक्सिमम पीक, ये सारे टर्म आपको इसमें देखने हैं और उसके क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको यहाँ से कवर करना है आरएच क्राइटेरिया, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का जो सिंपल रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए और किस केस में राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया को अप्लाई करने में डिफ़िकल्टी होती है वो सारे केस आपको मालूम होने चाहिए और इसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रूट लोकस। तो रूट लोकस से गेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कभी भी आपसे रूट लोकस डिजाइन वहाँ पर नहीं करवाएंगे। इसके लिए आपको रूट लोकस के जो सिंपल रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, एसिम्प्टोट क्या होते हैं, सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रेकअवे पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल, इन सब के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, तब आप वहाँ पर क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रूट लोकस के बारे में आपको सारी कंडीशन यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन यहाँ से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी कंट्रोल सिस्टम की। अगर ये टॉपिक्स आप कवर करके जाते हैं, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप गेट के एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से आता होगा और अगर नहीं आता है तो इसको आप अच्छे से सीख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसका वेटेज गेट के एग्जाम में 9 to 10 मार्क्स का है और अगर आप ये टॉपिक्स कवर करेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आसानी से 4 to 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखना है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा आप सभी जानते होंगे, बहुत ही इजी होते हैं, इनके सिंपल बेसिक रूल हैं वो अगर आपको पता है तो सारे बूलियन अलजेब्रा को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो इसके बेसिक गेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है, डायग्राम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लॉजिक गेट के बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं।
लॉजिक गेट से अक्सर एक क्वेश्चन आजकल गेट में पूछा जाने लगा है, जिसमें किसी भी लॉजिक गेट से बल्ब के स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और फिर आपसे आउटपुट पूछते हैं कि अगर एक स्विच आपका ऑन है तो आउटपुट क्या होगा और दूसरा स्विच ऑन है तो आउटपुट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिक गेट में आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो लॉजिक गेट के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट से आप किस तरीके से अदर गेट को डिजाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है इसमें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। के मैप आप सभी ने पढ़ा होगा, के मैप के थ्रू आप जो बुलियन फंक्शन है उसको किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये आपको इसमें कवर करना है। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपके आते हैं हाफ एडर, फुल एडर, मक्स, डीमक्स, डिकोडर और इनकोडर। यहाँ पे हाफ एडर की इक्वेशन क्या होती है, फुल एडर कैसे हम डिजाइन करते हैं, मक्स क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे हम एक मक्स से दूसरे मक्स को डिजाइन करते हैं, डीमक्स क्या है, डिकोडर क्या होता है और इनकोडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखनी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकते हैं। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल सर्किट में आपके ये आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स। फ्लिप फ्लॉप्स में आपके आते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज, ट्रुथ टेबल, इनके डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होना चाहिए। जो फ्लिप फ्लॉप्स की बेसिक इक्वेशंस हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है बेसिक क्वेश्चंस ऑन काउंटर। जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसी का पार्ट है आपका काउंटर, जो कि हम फ्लिप फ्लॉप्स से डिजाइन करते हैं। तो काउंटर काफ़ी टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस। तो आपको इसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो बस देखने हैं इसमें काउंटर में, ज़्यादा डीप में आपको नहीं देखना है। इसके बाद जो आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है नंबर सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और ये कवर करना काफ़ी इजी है। नंबर सिस्टम में आपके आते हैं बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो किस तरीके से एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करके जाते हैं तो आप आसानी से 4 से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ए टू डी, डी टू ए या लॉजिक फैमिली, वो टॉपिक्स आप छोड़ के चले भी जाएंगे तो भी आप इतने मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसके बाद हम देखते हैं अगला सब्जेक्ट क्या है, सिग्नल एंड सिस्टम। तो सिग्नल एंड सिस्टम आपका गेट के एग्ज़ाम में 9 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है और यहाँ पे मैंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट किए हैं, जो पढ़ के अगर आप जाएंगे तो आसानी से यहाँ से 4 to 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है सिग्नल एंड सिस्टम में आपके दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका बेसिक ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल में आपके अलग क्वेश्चन पूछते हैं और सिस्टम्स में आपके अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिग्नल की बात करें तो सिग्नल में सबसे पहले आपको देखना है बेसिक ऑफ सिग्नल्स, कितने टाइप के आपके सिग्नल्स होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से हम उनको डिनोट करते हैं। तो बेसिक ऑफ सिग्नल में इंपल्स सिग्नल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रैंप सिग्नल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपको बेसिक सिग्नल्स में देखना है। इसके बाद आपको पूछा जाता है सिग्नल की शिफ्टिंग, स्केलिंग और टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के बारे में। कोई भी सिग्नल आपको गिवन है, मान के चलिए इस टाइप से ये सिग्नल है, इसको हमें पूछा जाता है इसको शिफ्टिंग करने के लिए, स्केलिंग के लिए या टाइम रिवर्सल के लिए, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ये काफ़ी ईजी है। इसके बाद आपको पूछा जाता है LTI सिस्टम की प्रॉपर्टी, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है और क्या कुछ उनकी कंडीशंस होती हैं। तो जो उनकी कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए और एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा और उसमें आपको चेक करना है कि वो लीनियर सिस्टम है या नॉन लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, कॉजल सिस्टम है या नॉन कॉजल सिस्टम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप यहाँ से इजीली एक क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद आपको पूछा जाता है फोर ईयर सीरीज से क्वेश्चन। तो वैसे तो फोर ईयर सीरीज में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है। तो फोर ईयर सीरीज से आप इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कब आप फोर ईयर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, डिरिचलेट्स की जो कंडीशन है वो क्या होती हैं, तो वो सारी थ्योरी भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो 1 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिग्नल एंड सिस्टम में, वो है फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स और क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी। जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म है उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप फोर ईयर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी देख सकते हैं और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ के जाना चाहें तो जेड ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक भी देख सकते हैं। तो जेड और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पूछे जाते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म यूज होता है आपका डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका यूज होता है कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए। तो अगर आप चाहें तो इनके बेसिक्स भी पढ़ के जा सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सिंपल किसी भी सिस्टम का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होता है, या कोई आपको लाप्लास के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो उसका हमें इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये बेसिक टॉपिक्स इसमें पढ़ के जा सकते हैं, और अगर आप इसके अलावा भी पढ़ के जाना चाहें तो जेड ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक भी इसमें देख सकते हैं। तो आप इसमें इजीली 4 to 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी सिग्नल एंड सिस्टम की। इसके आगे हम देखते हैं अगला सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्क्यूट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्क्यूट्स ईडीसी की हम बात करें तो गेट के एग्जाम में 8 से 9 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब्जेक्ट कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी लेंदी होते हैं, कम से कम 3 से 4 लाइन के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट पता है, इसके फॉर्मूलेज पता है, तो वो क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही बेसिक्स होते हैं। सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी पूछी जाती है आपसे, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, क्या इनका इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन होता है, माइनॉरिटी करंट की इनमें रेंज क्या होती है। तो इस टाइप की जो इनकी प्रॉपर्टी हैं उनसे बेस क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद आपका बेसिक सेमीकंडक्टर में ही मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, और थर्मल वोल्टेज क्या होता है। तो इन सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईडीसी के अंदर। ये जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका डोपिंग क्या होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, किस तरीके से इनको डिजाइन करते हैं, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है। तो ये सब बेसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ही आते हैं। और इसका जो अगला टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड डायग्राम्स। एनर्जी बैंड डायग्राम पूछे जाते हैं आपसे। इसके अंदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपका जो फर्मी लेवल है वो वेरी करता है, तो ये सारे ईडीसी के अंदर पूछे जाते हैं आपसे। ये बहुत ही बेसिक्स हैं, आप अगर इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चंस इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन है इनके फॉर्मूले याद रखना, तो इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और क्वेश्चन में आपको सारा डेटा गिवन होगा, सिंपल आपको वो डेटा फॉर्मूले में पुट करना है और उसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है डायोड के बारे में, कितने टाइप के डायोड होते हैं, जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड। तो ये सारे डायोड्स आपको देखने हैं, फॉरवर्ड वाइज में कौन से डायोड ऑपरेट होते हैं, क्या उनका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है, और कहाँ उनकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डायोड के अंदर देखनी है। इसके अलावा आपको बीजेटी का बेसिक्स देखना है और एफईडी का बेसिक्स देखना है। ईडीसी के अंदर जो बीजेटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली बेस्ड होते हैं बीजेटी के स्ट्रक्चर पर। एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, क्या इनकी साइज होती है, क्या इनका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है, बेस करंट, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट में क्या रिलेशंस होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर का जो गेन होता है अल्फा, बीटा और गामा, क्या उनके बीच में रिलेशन होता है, एक क्वेश्चंस अक्सर आपसे यहाँ से पूछा जाता है। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, कब आपका बीजेटी करंट गेन की तरह बिहेव करेगा और कब वोल्टेज गेन की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारी बेसिक जो थ्योरीज है वो आपको देखनी है बीजेटी के अंदर।
इसके अलावा इसी टाइप से आपको FET की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो देखनी है, और MOSFET के बारे में आपको देखना है, डिप्लेशन MOSFET क्या होते हैं, इन्हेंसमेंट MOSFET क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको FET के अंदर कवर करने हैं। तो अगर ये आप कवर करके जाएंगे तो EDC में आप आसानी से 4-5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, तो इसको तो आप छोड़ के जाइए मत, इसको बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स की। इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट देखते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में 9-10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। अगर ये टॉपिक्स भी आप कवर करके जाते हैं तो यहाँ से भी आप इजीली 4-5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक है वो है OPAMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, CMRR क्या होता है, और इन पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, इंटीग्रेटर का डायग्राम क्या होता है, डिफरेंशिएटर का डायग्राम क्या होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको OPAMP के बेसिक में पूछी जाती है, जो आप बहुत ही ईजीली कवर कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है OPAMP एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स। डायोड की एप्लीकेशन के बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लिपर और क्लैम्पर क्या होता है? क्लिपर होता है किसी भी सिग्नल को उसका एक पार्ट जो कट कर देता है, क्लैम्पर होता है सिग्नल को पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल पे शिफ्ट करता है। तो ये दो जो एप्लीकेशन हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आपको देखनी है डायोड की एप्लीकेशन। इसके बाद अगर आप चाहें तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। एक नंबर का यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो BJT के सिंपल क्वेश्चन हैं वो देख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन से मतलब आपको एक BJT का सिंपल नेटवर्क गिवन होगा, इसमें आपको जो करंट है IC हुआ, IE हुआ और IB हुआ, इन तीनों करंट में से किसी भी एक करंट को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, और गिवन होगा आपको ट्रांजिस्टर का गेन बीटा अल्फा या गामा, उस टाइप से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो इनके बेसिक क्वेश्चंस की आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। FET के भी आप बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चंस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, वो होते हैं लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस और हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। तो अगर वो आप टॉपिक्स छोड़ के भी जाते हैं तो भी आप यहाँ से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आप फीडबैक जो एम्पलीफायर है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इतनी चीज़ें यहाँ से कवर करनी है। तो इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है आपका वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का वेटेज अच्छा है, 10-11 मार्क्स का पूछा जाता है यहाँ से, और बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी लेंथी होते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टार्ट करना है सबसे पहले जो इजी टॉपिक्स हैं, सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको देखना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या है, किन मेथड से हम इनको जनरेट कर सकते हैं और किन किन मेथड से इनको डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन इफिशेंसी क्या होती है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, पावर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, PD और PC के फॉर्म में जो रिलेशंस होते हैं उनके फॉर्मूले क्या हैं, बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इन पे बेस्ड जो सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हमेशा यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो कि काफ़ी सिंपल है, आप इसको इजीली कन्वर्ट यहाँ से कर सकते हैं। बस आपको इन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम में वो है एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन में आपका आता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और दूसरा फेस मॉड्यूलेशन। तो यहाँ इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज, इनकी बेसिक इक्वेशंस, कैसे इनका पावर कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इनकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे आपको पूछा जाता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आप एंगल मॉड्यूलेशन में देख सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है आपका रिसीवर पे बेस्ड। तो रिसीवर पे अक्सर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एक रिसीवर होता है और सुपर हीटरोडाइन रिसीवर होता है, इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो आप देख सकते हैं। इमेज फ्रिक्वेंसी का एक बेसिक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे बेस्ड सीधे सीधे आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो वो फार्मूला आपको याद रखना है, क्या इसकी कंडीशन है वो याद रखनी है,
और इमेज रिजेक्शन रेशियो का जो फॉर्मूला है वहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिसीवर में आपको जस्ट इमेज फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इमेज रिजेक्शन रेशियो और क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो हमें देखना है। ये हुई आपकी एनालॉग कम्युनिकेशन की बात। तो इसके बाद आपका जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसके अंदर बेसिकली तीन टॉपिक्स हैं। उसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है, लेवल क्या होते हैं, बिट पर सेकंड क्या होती है। इनके जो सिंपल फार्मूले हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। जस्ट आपको फार्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन में सारा डेटा आपके पास गिवन होगा और उस फार्मूले में पुट करके आप इजीली इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है डेल्टा मॉड्यूलेटर क्या होता है, स्लोप ओवरलोड एरर क्या होती है, ग्रैनुलर एरर क्या होती है, किस तरीके हम इनको ओवरकम करते हैं, इनके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपका पूछा जाता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की और फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की, इनके बेसिक्स पूछे जाते हैं, इनकी बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इनके जो सिंपल फार्मूले होते हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका बिट ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए और चैनल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके जो बेसिक फार्मूले हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन का वो काफ़ी वाइड है, नॉइज कैलकुलेशन के लिए भी यहाँ से पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में यहाँ से पूछा जाता है और मैच फिल्टर वगैरह से भी यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी टॉपिक्स हैं। तो अगर आप चाहें तो केवल इतने टॉपिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में कवर करके जाएंगे तो आप यहाँ से 5 to 6 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। बस आपको जो ये टॉपिक्स हैं इनका बेसिक्स पता होना चाहिए और इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए तो आप यहाँ से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये हुई कम्युनिकेशन सिस्टम की बात। इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरली गेट के सिलेबस में जो मेंशन होता है वो होता है कि 15 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली मैथ में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 11 टू 12 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। तो इसमें काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर कवर कराए हैं, तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करके जाएंगे तो आप यहाँ से 5 to 6 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत ही इजी टॉपिक है वो है लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैट्रिक्स पे बेस्ड, डिटरमिनेंट पे बेस्ड, रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होते हैं, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड, एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनवर्स ए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली आपको जो लीनियर एलजेब्रा है ये पूरा टॉपिक्स आपको कवर करना है, यहाँ से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इजी है तो इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसके बाद आप मैथ के सिलेबस में और आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन हैं लिमिट पे बेस्ड, जैसा कि मैंने अपने वीडियोज़ में भी आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बताए हैं, तो आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, बेसिक जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो देख सकते हैं और बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर 1 या 2 नंबर का हमेशा गेट के एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ईजी होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना। इसके बाद अगला टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हैं वैक्टर के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस कर्व, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये काफ़ी इजी हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जो सिलेक्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पढ़ के जा सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, तो ये आप पढ़ के जा सकते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसके भी कुछ रूल होते हैं, CF जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और PI पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इनके बेसिक रूल्स हैं तो वो आप पढ़ के जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स देख सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स भी आप देख सकते हैं जो उनकी बेसिक डेफिनेशंस हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है न्यूटन रैप्सन मेथड से, और न्यूटन रैप्सन मेथड का एक सिंपल फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप याद करेंगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कवर कर सकते हैं।
इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आप बेसिक्स यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो इसके साथ ही जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट बचता है वो है EMT और माइक्रो प्रोसेसर। तो EMT और माइक्रो प्रोसेसर, आप इन सब्जेक्ट को अगर अच्छी कमांड नहीं है तो इनको आप छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको 25 to 35 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने हैं तो ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किस किस सब्जेक्ट से हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए तो हम इजीली इतने मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप से एनालिसिस पे एक और वीडियो बनाऊं जिसमें हम 35 to 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और 45 to 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उनमें क्या कुछ एडिशनल टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं इस एनालिसिस पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो गेट में जस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।